मौनी अमावस्या पर घाटों पर लोग पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि माघ महीने में ब्रह्मांड के 33 करोड़ देवी देवता यहां वास करते हैं। इस दौरान त्रिवेणी में जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी बाबा के मुताबिक इस बार का मौनी अमावस्या श्रद्धालुओं को विशेष फल देने वाला है। वहीं तीर्थराज प्रयाग में दान का भी बहुत महत्व है। आज 30 साल बाद शनि दोबारा मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मौनी अमावस्या तीर्थराज प्रयाग के महापर्वों का सबसे विशेष महापर्व है। शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और ब्रह्म काल से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही मौनी अमावस्या का प्रवेश हो जा रहा है। ऐसे समय जो भी तीर्थयात्री, जो भी कल्पवासी, जो भी गंगा की गोद में स्नान करने वाले लोग हैं, मौनी अमावस्या के स्नान का संपूर्ण फल हर व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है। और विशेषकर जब शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहा है तो सरकार को बड़े निर्णय लेने में बड़ी क्षमताएं मिलेंगी, शत्रु पराजित होंगे। तो माघ का महीना है और इस माघ के महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। और आज जबकि अमावस्या है तो ऐसे में मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का महत्व ऐसा है कि जो भी गंगा में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो घाटों पर, गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था का सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दान का भी इस दौरान विशेष महत्व होता है। तो शनि दोबारा मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए भी ये मौनी अमावस्या इस बार की खासा महत्व यहाँ पर रखती है। तो तमाम जगहों पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो माघ का महीना जहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मांड से 33 करोड़ देवी देवता जो वास करते हैं, और ऐसे में इस दिन का ये विशेष महत्व माघ के इस पूरे महीने में, ऐसे कई मौके आते हैं जब स्नान का विशेष महत्व होता है। हालांकि इस पूरे महीने कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, भजन होते हैं, और ऐसे में ये माघ का महीना जिस तरह से विशेष महत्व रखता है उससे कहीं ज़्यादा वो दिन काफ़ी महत्व रखते हैं जिस दिन स्नान किया जाता है। और ऐसे में मौनी अमावस्या ये दिन भी खासा महत्व, जब कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर होती है। तो खतरे की आशंका को देखते हुए बता दें कि सुरक्षा यहाँ पर चौकस की गई है। घाटों पर जल पुलिस भी तैनात किए गए हैं। तो श्रद्धालुओं के, क्योंकि दूर दराज से श्रद्धालु जो है घाटों का रुख करते हैं, और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए बेहतर व्यवस्था के लिए तमाम तरह की तैयारियाँ यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है, और स्नान घाट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरा मेला, मेले का आयोजन भी है जहाँ पर 200 CCTV की निगरानी है। यहाँ पर जल पुलिस की तैनाती की गई है, डिप बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो कुंभ की तर्ज पर घाटों पर जाल लगाए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा का जो घेरा है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। कई पुलिस बल, पुलिस फोर्सेस को वहां पर लगाया गया है। तो मौनी अमावस्या है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसका विशेष ख्याल यहाँ पर रखा गया है।